नमस्कार, मैं हूं विवेका। आपका स्वागत है खबर बिहार 24 समाचार चैनल में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची विधिवत जारी कर दी गई है और तीसरे चरण के उम्मीदवारों को सैंबल भी दे दिया गया और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के कई उम्मीदवार बिहार में हो गए। पहला एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है नीतीश कुमार, जिन्हें वीआईपी हम भाजपा और जदयू का समर्थन है। दूसरे हो गए विपक्ष के नेता लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव, जिन्हें भाजपा माले भाजपा माघपा सहित राजद का समर्थन प्राप्त है। अब आप तीसरे चेहरे हो गए उपेंद्र कुशवाहा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस जो बना है उसके चेहरा हो गए उपेंद्र कुशवाहा। चौथा हो गए चिराग पासवान, जो लोजपा स्वयं अपने बल पर लड़ रही है। पांचवा कल उम्मीदवार घोषित हो गए पप्पू यादव। पप्पू यादव को बनाया गया है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, जो उनका अपना जाप और जो उनके साथ पार्टियों का अलायंस है उसने पप्पू यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। और उसके पहले से तो एक विदेशी महिला जो दरभंगा की रहने वाली है पुष्पम प्रिया चौधरी ने स्वयं को मुख्यमंत्री बिहार का घोषित कर दिया। तो बहरहाल हुआ बाद की बात है, चुनाव होगा, लोगों का वोट पड़ेगा, फिर लोग बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बिहार के होंगे, किन्हें बिहार की जनता चुनती है। लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने घोषित किया है तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची, जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके क्षेत्र में भी ये उम्मीदवार भ्रमण के लिए जा सकते हैं। रामनगर सुरक्षित क्षेत्र की उम्मीदवार भाजपा की होगी भागरथी देवी। नरकटियागंज के उम्मीदवार रश्मि वर्मा, समझ ले फिर से, रामनगर सुरक्षित भागरथी देवी, नरकटियागंज के रश्मि वर्मा, बगहा के राम सिंह होंगे, लौड़िया से विनय बिहारी, पूर्व में भी विधायक थे, रक्सौल में प्रमोद सिन्हा जो पहले उम्मीदवार थे उन्हें हटा दिया गया, मोतिहारी में प्रमोद कुमार, चिड़ैया में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका में पवन जायसवाल वर्तमान में विधायक हैं, रीगा में मोतीलाल प्रसाद, बथनाहा सुरक्षित में अनिल राम, परिहार से गायत्री देवी और खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्पी से हरिभूषण ठाकुर, छातापुर से नीरज कुमार सिंह, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, नरपतगंज अररिया जिला अंतर्गत जयप्रकाश यादव, फारबिसगंज विद्यासागर केसरी, जोकीहाट रंजीत पासवान, जोकीहाट अररिया जिला अंतर्गत तस्लीमुद्दीन का गढ़, सबदीप तस्लीमुद्दीन ने जीता, फिर उसके बेटे ने जीता, सरफराज इस बार राजद से उम्मीदवार हैं, अब रंजीत यादव से उनका टक्कर होगा, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, सिकटी से विजय मंडल, किशनगंज से स्वीटी सिंह काफी संघर्ष कर रही है, पतिपुर में विधायक थे सिकंदर सिंह, अब उनकी पत्नी स्वीटी सिंह पूर्व में भी लड़ चुकी है, पाइसी से विनोद यादव, बनमनखी से सुरक्षित सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से विजय खेमका जो वर्तमान विधायक हैं, कटिहार से तारकेश्वर प्रसाद ये चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, तीन बार से लगातार विधायक हैं, प्राणपुर से निशा सिंह, दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी, कोढ़ा से पूर्व विधायक महेश पासवान के मृत्यु के बाद उनके पत्नी कविता पासवान को दिया जा रहा है, सहरसा से आलोक रंजन झा, दरभंगा से संजय सरावगी, हायाघाट से रामचंद्र साह,
केपटी से मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार, औराई से राम सूरत राय, कुड़नी से केदार गुप्ता, मुजफ्फरपुर से सुरेश कुमार शर्मा, पातेपुर सुरक्षित से लखिंदर पासवान, ये भाजपा के तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची है जिसमें सारे जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। और अब नामांकन प्रक्रिया भी जारी है, चुनाव प्रचार भी जारी है। इस पूरे प्रकरण में मैं बता दूं कि जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, जो भाजपा के प्रखर वक्ता हैं, वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वे पिछले बार भी पिछले दरवाजे से आए थे, इस बार भी पिछले दरवाजे से आएंगे। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव मैदान में नहीं है, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पिछले दरवाजे से ही आएंगे। पता नहीं क्यों, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जनता के बीच में जाकर सुशील मोदी और नीतीश कुमार को स्वयं के लिए वोट मांगने में डर लगता है या हार का डर है। तो आपको फैसला करना है, हमने लिस्ट बता दिया। बड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।